वायब्रेंट चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड आज हम लोग आपके सामने रेडी हुए हैं सेकंड चैप्टर के साथ में, जहाँ पे यूनिट टू कहा गया है उसको, और उसी का नाम है मेथड्स ऑफ फिश कल्टीवेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कौन से एक्वेटिक वीड्स है, कौन से मराइन फिशेस है, इनको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, कौन से कंट्रोल मेजर्स है हमारे पास में, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। वही इस सेशन में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड्स कौन से है हमारे पास में फिश कल्टीवेशन के। फिश को अगर कल्टीवेट करना है सो कौन से मेथड्स अप्लाई करने चाहिए, वैसे इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट दिया जाता है। तो एक डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है कि मेन पर्पस ऑफ फिश कल्चर, ओके, मेन पर्पस फिश कल्चर का क्या है, इट इज टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ फिश, ओके, गुड क्वालिटी ऑफ फिश एंड इन एज वेल एज लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर मैन। मैन के पर्पस के हिसाब से या ह्यूमन बींग के लिए इसको बहुत ज्यादा सोर्स प्रोवाइड करना है अपने लिए, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि मेथड जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी जरूरत क्या क्या है ना। हमारे पास कौन से मेथड है, मेथड देखिए, एक हमारे पास में है पॉन्ड कल्टीवेशन, देन पेन कल्चर, केज कल्चर, रेसवे कल्चर और रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। नाउ ये सारे जो भी कंसेप्ट है हमारे पास में, दिस इज नॉट पॉसिबल टू कवर इन वन वीडियो, ओके। सो फिलहाल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पॉन्ड कल्टीवेशन के बारे में कि पॉन्ड क्या होता है एंड पॉन्ड की इम्पोर्टेंस क्या है एंड इसमें किस तरीके से कल्टीवेट करना चाहिए। सबसे पहली चीज, पॉन्ड जो होता है दे आर मैक्सिमली शैलो, ओके, बहुत ज्यादा डेप्थ भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल भी नहीं होते हैं। दे आर स्मॉलर वाटर बॉडीज, ओके, इनकी वाटर बॉडी कैसी है, ये स्मॉलर वाटर बॉडीज है एज कम्पेयर टू रिजर्वायर्स और लेक्स। लेक्स के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो पॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं छोटे। देर इज अबंडेंस ऑफ अक्वेटिक वेजिटेशन, यहाँ पर वेजिटेशन जो होता है, अक्वेटिक वेजिटेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, बिकॉज वाटर इज स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, जहां पे एक जगह पानी जमा होता है। वाइल रिवर्स और लेक्स क्या होते हैं, ये फ्लोइंग वाटर होते हैं। सो फ्लोइंग वाटर होने की वजह से इनमें कोई भी अलगी या कोई भी वेजिटेशन जो होता है वो प्रॉपरली उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है जितने अच्छे तरीके से पॉन्ड में हो जाएगा। वाइल ये कंडीशन जो क्रिएट की जा सकती है, दिस में भी नेचुरल या आर्टिफिशियल, हम पॉन्ड आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं या नेचुरली। हमारे पास में अगर बारिश आ जाती है तो पानी कहीं पे एक ऐसा एरिया है जहां पर खदान जैसा टाइप है तो वहां पे भी जमा हो सकता है, तो वो नेचुरली हो गया और जो हमने बनाया होगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल मेथड ना। जिस तरीके से पॉन्ड वाटर को डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डाइवर्ट द वाटर इनटू पॉन्ड्स, बिकॉज वाटर का फ्लो अलग होता है और उसके फ्लो को मूव करवाना इज नॉट सो इजी। व्हाइल रेयरिंग ऑफ फिश, ऐसे कंडीशन में अगर रेयरिंग करनी है सो रेयरिंग ऑफ फिश इन सच वाटर इज मोर डिफिकल्ट, ओके, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वो फ्लोइंग वाटर है और ये स्टैग्नेंट वाटर होने की वजह से या रुका हुआ पानी होने की वजह से ये चीज इजियर हो जाती है पॉन्ड में। बिकॉज सेकेंड चीज ये दी हुई है कि बिकॉज सच वाटर बॉडीज कैन नॉट बी ड्रेन्ड, ओके, ये वाटर बॉडी का पानी जो है पूरी तरीके से बाहर निकालकर फेंका नहीं जा सकता है, बट इट इज एक्सपोज टू द बॉटम इन सन, ओके, तो सन में इसको एक्सपोज करके रखा जा सकता है जहां पे aquatic life भी हो, as aquatic life में प्लांट की लाइफ भी हो as well as fishes की लाइफ भी हो जो कि एनिमल लाइफ है। इसीलिए इन पॉइंट में से नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा आपका कि प्रेडेटर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ओके, प्रेडेटर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं पॉड से। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फीड फिशेस और यूज फर्टिलाइजर्स और पॉइजन्स इन सच वाटर बॉडीज, ओके, सो ऐसे वाटर बॉडीज में हम कोई भी पॉइजन नहीं इंसर्ट कर सकते हैं और ये कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला जा सकता है बिकॉज ये मर भी सकते हैं, ओके, सो ये हो गया आपका पॉन्ड कल्टीवेशन। वाइल पेन कल्चर क्या होता है, पेन कल्चर को डिस्कस कर लेंगे। पेन कल्चर को डिस्कस करने से पहले बेटा इसके तीन एस्पेक्ट है
जहाँ पे हमको इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है पेपर में, पॉन्ड कल्चर थोड़ा सा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है तो इसलिए इसमें ज्यादा लिखने का जरूरत होता नहीं है। वही यहाँ पर अगर आप देखोगे पेन कल्चर के लिए, सो पेन कल्चर में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, उसका कंस्ट्रक्शन देना होगा एंड उसी के साथ साथ उसके एडवांटेजेस देने होंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि मैक्सिमली इट इज प्रैक्टिस्ड इन स्कॉटलैंड एंड इजराइल, ओके। एंड एक्चुअली पेन कल्चर होता क्या है, पेन मतलब हमारे यहाँ हाथ में जो पेन है वो वाला पेन नहीं होता है। सो अ पेन कल्चर इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड इनक्लोजर इन विच द बॉटम इज द बेड ऑफ द वॉटर बॉडी। बॉटम क्या होगा, वॉटर बॉडी का बेड होना चाहिए, इसको कहा जाता है पेन कल्चर। एंड ये स्कॉटलैंड और इजराइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में इफेक्टिवली यूज किया जाता है। अडॉप्टेड इन सम ऑफ द एशियन कंट्रीज टू, स्कॉटलैंड और इजराइल के अलावा एशियन कंट्रीज में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। कल्चरिंग इन पेन्स इज इनसाइड लेक्स और ऑफशोर एरिया इन फ्लोइंग वॉटर। पेन कल्चर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्लोइंग वॉटर चाहिए होता है। नाउ हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट देम, सबसे पहले पेन कल्चर का साइज जो होता है वो जानना जरूरी है। दैट इज 20x10x5, दैट इज 20 मीटर इन लेंथ, 10 मीटर इन ब्रेथ एंड 5 मीटर इन डेप्थ। और लाइफ स्पैन जो होता है ये फिश पेन कल्चर का कितना होता है, इट इज अराउंड 5 years, उससे ज्यादा हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर ही नहीं सकते हैं। ओके, बीच में भी खराब हो सकता है बट मैक्सिमली अगर अच्छा क्वालिटी यूज करते हैं तो वो 5 साल तक के आराम से चलेगा। चलिए कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो कंस्ट्रक्शन के लिए बैम्बू या वुडन पोल्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के साथ साथ नाइलॉन नेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पोल्स को यूजुअली फिक्स किया जाता है, स्पेसिफिक एरिया में पोल्स होते हैं, उन पोल पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। सो पोल्स आर फिक्स्ड एट बॉटम ऑफ शैलो वाटर एरिया एंड नेट स्ट्रंग फ्रॉम पोल टू पोल। तो एक एरिया अगर होगा सो पोल टू पोल हम क्या कर रहे हैं, नेट को स्ट्रिंग आउट कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है। ओके, सो इतने एरिया वो आपका काउंट हो जाएगा। नेट्स आर एंकर्ड एट बॉटम सो स्टॉक फिशेस कैन नॉट एस्केप। अगर उसके अंदर कोई फिश आ जाती है तो वो स्टॉक होने के बाद में उसमें से बाहर नहीं निकल सकती है। पोल्स मस्ट बी ऑलवेज ट्रीटेड विथ ऑयल सो दैट सो दे डज नॉट वॉटर लॉग्ड। ओके, वॉटर लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ रॉटिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी के अंदर में सड़ने लगेगा। ओके, सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो ये वाले पॉइंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये आपके आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन सेक्शन में। वही इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास में एडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस क्या क्या है। सो पॉसिबल इन फ्लोइंग वॉटर, फ्लोइंग वॉटर में इसका पॉसिबिलिटी है। फर्टिलाइजर और मैन्योर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एक्स्ट्रा फीडिंग इज रिक्वायर्ड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज, अगर एक बार घुस गए तो उनके एनिमीज उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज, लिटिल मेंटेनेंस है इसको, देन ग्रो बेटर विद फास्ट रेट एंड मोर यील्ड विल ऑब्टेन इन फर्टाइल वॉटर। ओके, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, सो डिसएडवांटेज में आ जाता है कि एक्सपेंसिव होता है ये थोड़ा सा। लाइफ स्पैन, लाइफ ऑफ फिश पेंस इज लेस देन पॉन्ड, पॉन्ड के हिसाब से इनका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट करते होते हैं। अब सेकेंड एस्पेक्ट ये भी है कि स्टॉर्म अगर आ जाता है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वाइल रेड्यूस नेचुरल प्रोडक्टिविटी, ये नेचुरल प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, रेड्यूस कर देते हैं बिकॉज ब्रीडिंग प्रोसेस ही नहीं होती है, विच इज नॉट बिल्ड अप, राइट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड पॉन्ड कल्टिवेशन एंड पेन कल्चर। सो ये कंसेप्ट यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केज कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, रेसवे कल्चर कल्टिवेशन क्या होता है और रिसर्कुलेटरी वाटर सिस्टम क्या होता है। सो ये बाकी ये तीन मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, दोस्तों में शेयर जरूर करिए और अपने प्यारे प्यारे व्यूज और कमेंट जरूर देते चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।